हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज होगी अदु की हेयर कटिंग है। बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। अदु गीले करके आए घर से, ही कह रहे मैं घर पे ही गीला कर लेता हूँ। हाँ, एक्चुअली अदु नहा रहे थे तो हमें याद आया, रोज भूल जाते हैं। हैं, पहले भाई का कटेगा कि पहले आपका? पहले मेरा। ओहो, और बताओ बर्थडे बॉय। मैं भी बर्थडे बॉय हूँ। चलो ये देखिए दोस्तों, कौन सा कटेगा अभी, ये लोग चूज करेंगे कौन सा कटेगा। लास्ट में कोई कटता नहीं है, सब बिगाड़ देते कैसे कटवाओगे अदु? ये वाला कटवा लो, ये वाला साइड वाला, ऐसा वाला, ऐसा वाला। फाइनल हो गया। हेलो जी, लड़का रेडी हो गया भाई। हैप्पी, रेडी? स्माइल करता है बाल कटवाते हुए अदु। अदु, हो अदु महाराज हीरो लगना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारा कट गया है बाल। अदु महाराज इधर दिखाओ, इधर हीरो लाल बन गए भाई, ऐसा हीरो लाल। ओ अच्छा लगा, उधर दिखाओ, अंश दिखाओ, उस तरह वो दिखाओ, इधर करो। यस, आपकी ये लाइन सही आई है कि नहीं अदु महाराज? बाद में उसी को देखता है घर पे जाके। हो गया बाबू सही? आर यू हैप्पी? यस, सुपरस्टार आ गया। चलो भाई को देखते हैं, आ जाओ, चलो भाई को देखते हैं। तो ये देखिए सरप्राइज आपका हाजिर है दोस्तों यहाँ पे, और ये है हमारा बर्थडे बॉय। इसमें से आप पहचान पा रहे हैं बर्थडे बॉय कौन है? अंश कौन है बर्थडे बॉय? अदु बर्थडे बॉय कौन है? दोनों लोग एक जैसा करो, कौन सा समझ में आएगा बर्थडे बॉय कौन है? मैं बाबू है। तो आज है मिस्टर मनोज सिंह का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे हस्बैंड। थैंक यू। तो Lovely. ये देखिए आपकी life. शॉपिंग तो नहीं हो पाई थी, लेकिन आप चमत्कारी अंगूठी कल उसने अंगूठी खरीदी थी। और चलिए बाबू कैसा लग रहा है बड्डी बॉय है? तो चलिए जी, हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये देखिए मेरा ड्रेस, तो ये उस दिन इसका ना रेड कलर का एक बेल्ट था जब हमने खरीदा था, और कहीं से इधर उधर घूम हो गया, रखे। बहुत पहले का ड्रेस है, मैंने बहुत पहले हॉल दिखाया था। और मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, कैसा लग रहा है दोनों का? देखो मैंने ड्रेस मिल गया कम से कम, तो यही होती है इधर उधर से शॉपिंग करते रहो तो कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और हम लोग आज जा रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे बहुत ठंडा लगेगा हम लोगों को, तो ये ड्रेस, इन लोगों को तो हुडी पहन के जानी चाहिए थी। yes. मुझे लग रहा है कि काफी ठंडा लगेगा, मुझे तो लगेगा। तो और बताओ बर्थडे के बारे में, तुम्हारे बर्थडे का नाम मैंने महीने पर नहीं लिया, और अंश के बर्थडे का नाम पूरे दिन रोज में लेती हूँ। बर्थडे के नाम पे पूरा मंथली ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ, और जो जो छोटी छोटी तैयारियां कर रही हूँ और वो सब। बोलो कैसा लगा? कह रहे क्या बोल रहे थे? वही मैं बता रहा था, मेरी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि हमारे बर्थडे का नाम भी नहीं लिया, और हमारे लिए सरप्राइज था सबके लिए ना, सबको अच्छा लगेगा। सरप्राइज तो था, ये हमें नहीं पता था, इन्होंने मंगा के पहले से रखा हुआ था। ये तो ब्लॉग में नहीं देखा था, ये बहुत पहले मंगाया था, ये मैंने दिखाया भी है किसी ब्लॉग में। ये तो चीजें होती रहती है दुबई में, और चीजें जब चाहिए, जब अच्छी मिलेंगी तभी तो लोग, ऐसा तो नहीं है, मैं तो ऐसा कम से कम नहीं करती हूँ कि भाई बर्थडे है तो ले लो, ऐसा तो अच्छा है ना उसमें क्या है। और देखो मेरा भी आज ये बेल्ट इस पे काफी शूट कर रहा है, अंश ने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कुछ तो लूंगी, इस वजह से पहन नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं है मैं तो कपड़े तुरंत पहनती हूँ, लेकिन मैं पहन नहीं पा रही थी कि इसका बेल्ट ही नहीं था। तो अभी मुझे उस दिन स्प्लैश में गई तो मुझे लगा इसको मैं ट्राई कर सकती हूँ क्या। और बताओ कितने साल के हुए? वो बताना सीक्रेट होता है, बताना नहीं चाहिए। और जब अंश का ना इस टाइम मैं इतना उछल रही हूँ, आज से 12 साल पहले पेन में थी, मतलब शुरू हो गया था। yes.
शाम के 6 बज रहे हैं, मतलब इंडिया में मुझे लग रहा है 7:30 बज रहे हैं इस टाइम, तो एक्सट्रीम वाला पेन हो रहा था। और इस टाइम पे बहुत लोग बोल रहे थे कि इनका बर्थडे है तो इसी दिन पैदा हो जाए तो दोनों का बाप बेटे का बर्थडे एक ही दिन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंश मॉर्निंग में पैदा हुए थे 21 जून को, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 21 जुलाई को बर्थडे है अंश का, 21 जुलाई 2010। कितना स्पेशल डे था बताओ। अपना नहीं है, अंश की बातें हो रही है, मतलब ये इतना ज्यादा मतलब पास हो गया, सिमिलर हो गया कि बातें अंश की आई जाती है। तो ऐसा है, और बर्थडे बॉय रेडी हो गया है। Yes, I'm ready now. चलो सब लोग आप बर्थडे बॉय दे विश कर दो। शूज किसी का कुछ बाकी है, किसी का कुछ बाकी है, तो दोस्तों चलते हैं और आपको साथ में लेके चलते हैं। ये देखिए बर्थडे बॉय की हालत, बच्चे को तैयार कर रहे हैं, शूज बांध रहे हैं। अच्छा लग रहा है ये वाला शर्ट है, बोसनी का स्प्लैश से जो हम लोगों ने लिया था, और ये वाले मैच नहीं कर पा रहे हैं बॉय। आर्मी शर्ट इनके पास तो नहीं है, लेकिन अच्छा है शर्ट पहना है बॉय ने। हाँ ऐसी लेना था ना, छोटा नहीं मिला, मिल जाएगा तो ले लेंगे ना, मिल जाएगा तो ले लेना, फिर हम लोग मैचिंग मैचिंग हो जाएंगे। यस आर्मी बॉय। मम्मी का सरप्राइज कैसा है पापा के लिए? अच्छा है, अच्छा है। Yes. आप लोग ऐसे टोपी लगा के इसको जाओगे क्या वहाँ पे? सरप्राइज था ये, सरप्राइज था लेकिन सरप्राइज रहे कहाँ गया बाबू? ये है सरप्राइज, ये अच्छा है। तो मम्मी का सरप्राइज कैसा है? तो मेरा ये प्लान था, मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे अंश का भी बर्थडे था और हस्बैंड का भी बर्थडे था, तो और समर वेकेशन था, तो मैंने कुछ ऐसा प्लान किया कि सबको अच्छा लगे। और ऐसा मैंने ढूंढा तो बड़ा अच्छा सा एक शो है जिसके बारे में मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, और जब ले जाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, और बहुत ज़्यादा हमारे आसपास के लोग भी नहीं गए तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है। आ जा, तो इसलिए हम लोगों ने प्लान किया कि ऐसा कुछ करते हैं जो सबको पसंद आए, और अंश के बर्थडे का सरप्राइज भी हो जाएगा। और ऐसा तो ये अंश के बर्थडे का प्री सेलिब्रेशन भी है और हस्बैंड के बर्थडे का भी है, तो मूवी वूवी तो आजकल हम लोग सब देख ही रहे हैं, और ये सब तो हमेशा ही चलता रहता है जैसा कि आप देखते ही हैं, कि यहाँ पे कुछ स्पेशल प्लान करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि डे टू डे लाइफ ही, वीकेंड ही सब नॉर्मली ऐसे ही, मतलब मॉल जाना ये सब चलता रहता है। तो मैंने स्पेशल प्लान किया था कि बर्थडे के दिन ऐसा कर लेते हैं और थोड़ा सा बाहर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, केक कटिंग ये सब। Yes. तो जो भी होता है जैसा भी होता है आपसे शेयर करते हैं। आदु अच्छा लगा आपको? Yes. तो इसमें सब लोग एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छा शो है। तो देखते हैं, मुझे लग रहा है कि वीडियो अगर लंबी हो जाएगी ये वाली तो नेक्स्ट वाले में शेयर करेंगे, दो कर देंगे पार्ट में, क्योंकि लेंथ भी देखनी पड़ती है दोस्तों। ये वाला पर्स भी मैंने आज ले लिया, ये वाला देखिए, और काफी अच्छा लग रहा है मुझे इस ड्रेस के साथ। आपको कैसा लगा ये बताइएगा दोस्तों, और अच्छा लग रहा है ना? तो दोस्तों हम लोग अभी चल रहे हैं घूमने फिरने के लिए, और हस्बैंड का बर्थडे मनाने के लिए, और फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए, और आप भी हमारे साथ चलिए और खूब मजा करिए। और यहीं पे आज आद्यान बोलना चाहते हैं कि आपको हमारी फैमिली, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, पूछें, और बेल बेल भी दबाएं। चलो फर्दू बोलो, सुन बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल बेल। बाय बाय दोस्तों, चलिए चलते हैं, अभी बाय बाय नहीं कर रहे, अभी चलते हैं। चलो Yes. Happy birthday जी, happy birthday. Happy birthday. आज भी स्पेशली आपको अपने ही बर्थडे पे हम लोगों को घुमाना ही पड़ रहा है। हमें गाड़ी चलानी आती ना तो हम आपके लिए ड्राइवर बन जाते। ट्राई तो करो, ट्राई करें, ट्राई करेंगे, वादा करते हैं ट्राई करेंगे। अभी मेरा भी मन होने लगा है ड्राइविंग, कुछ तो करें नया है, नया तो मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं आता ड्राइविंग में, लेकिन मुझे लगता है कि ड्राइविंग यहाँ पे सेफ है दुबई में, बहुत आसान है। हाँ? Yes.
क्यों बच्चे लोग, मजा आ रहा है? Yes. हम्म, कैसा लग रहा है? अच्छा। हैप्पी बर्थडे पापा। हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों ये देखिए शाम की हमारी टिकट थी 9:00 शाम की, उसके बाद हम लोग डिनर पे गए थे। तो वो शुरुआत वाला और डिनर वाला पार्ट मैं शेयर कर रही हूँ। बीच में हम लोग बहुत अच्छा शो देखने गए थे जिसको मैं सेपरेट दिखाना चाहती हूँ आपको, बहुत ही अमेजिंग शो था। तो आप ब्लॉग को एंजॉय करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग एकदम चकाचक होंगे। और हम लोग घूम रहे हैं दुबई की सड़कों पे, रात के हो रहे हैं 11। शेख जायद रोड, और ये हमारे चंगू मंगू है। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू हो रही है। हैप्पी बर्थडे अंश, और ये वीडियो शुरू हो रही है। हैप्पी बर्थडे पापा। पापा का बर्थडे खत्म हुआ है, अभी अभी जस्ट खत्म हुआ और जस्ट शुरू हुआ है यहाँ अंश महाराज का बर्थडे। हाँ, बट एज पर यू ही मेरा भी खत्म नहीं हुआ है, 16 मिनट। आपको भी हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं ना? 26 मिनट। हाँ हाँ, आपको भी बोल रहे हैं। और ये देखिए हम लोग घूम रहे हैं रात को दुबई की शेख जायद रोड। और यहाँ भी जाना है अंश, नेक्स्ट मिशन ये वाला है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। हम लोगों का ये बकेट लिस्ट में है ये सब। और तो अंश, समर वेकेशन में जो जो हम लोग प्लान बनाए थे, थोड़ा थोड़ा मास्क निकाल देते ना बाबू सोना। रखे रहो, अभी चल रहे, वहाँ काम आएगा। तो समर वेकेशन में मैं कह रही थी जो जो सोचे थे वो धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं चीजें। और हाँ, वो पूरा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, डॉल्फिन वाला। और ये पूरा हुआ अभी म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। और आज तो अंश महाराज का बर्थडे है ही है। बाजे बॉय, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 12 ईयर कम्प्लीट, नाउ यू आर 13 टीनेज। बेटा बड़ा हो गया आपका। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं आपसे, मिलते ही रहते हैं आज रात भर, देखिए क्या करते हैं। और बस इधर तो 3-4 ब्लॉग मुझे लग रहा है बन ही जाएगा। और जो भी खुशियां हैं, जो भी है, आपसे शेयर करने मजा आता है, मेमोरीज कलेक्ट करने मजा आता है। तो एकदम मतलब जो होता है ना सर्कस हम लोग देखते थे, हमें आता, मतलब मैंने सिर्फ सर्च किया था दुबई सर्कस और ये तुरंत आया। और एक्चुअली मैं बहुत हद तक सर्कस था भी, उसमें स्टोरी टेलिंग थी और सब कुछ था। कैसा लगा अंश? अच्छा लगा। तो वो चीजें थी तो बड़ा अच्छा लगा। अंश को बताने दो। अच्छा लगा उसका जो सारे स्टंट्स कर रहे थे वो, और स्टोरी टेलिंग, स्टोरी भी अच्छी थी। मजा आया ना, और उसमें कॉमेडी रिलीफ भी काफी था, अच्छा था। चलिए दोस्तों, जिसको लापा लाना है, इसका तो प्रोनाउंस ही नहीं कर पा रहे, वो लोग कुछ और ही कर रहे थे। क्या कर रहे थे प्रोनाउंस? लपोल ऐसे बोल रहे थे। अच्छा है। पार्टी शार्टी। हेलो, वाओ, लाइव म्यूजिक। Thank you. राजा मीना चढ़ दो यारे, कटी मिलियो मारी, राजा मीना चढ़ दो यारे।
सबका बर्थडे हो रहा है यहाँ पे देखो कितना अच्छा है सजाया गया है बहुत अच्छा अच्छा इसमें कोड भी लिखा हुआ है ये देखिए फूड ओके प्लीज खाओ पियो ऐश करो मित्रों कीप काम एंड बल्ले 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 शावा शावा वी देसी चक दे फटे वो अच्छा यार बहुत अच्छा है ये रियल चूड़ियां है भाई ये देखो रियल चूड़ियां हां जी रियल बोल रहे तो दोस्तों ऐसा रहा हस्बैंड का बर्थडे और हस्बैंड का बर्थडे ख़त्म होते ही बेटे का बर्थडे शुरू हो गया तो बहुत ही स्पेशल दो दिन है मेरे लाइफ के ये और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे लाइव म्यूज़िक देखिए ये वाला लास्ट वाला सॉन्ग मैंने लगवाया था और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का एंबियंस बहुत अच्छा है देसी ढाबा करके करामा में है तो बहुत मज़ा आया और आपको कैसा लगा ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो मैंने आपसे आज शेयर की है तो बस चैनल सब पे बने रहिए लाइक करिए वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग